नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ सुमन मिश्रा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। कोयला तस्करी मामले में विनय मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने जारी किया वारंट। बंगाल में जारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग के बुधवार तक बारिश के जारी रहने की संभावना जताई। कोलकाता के बड़ा बाजार में फिर ढहा इमारत का हिस्सा। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का अनशन जारी। डिप्टी सुपर एवं वाइस प्रेसिडेंट ने किया वार्डों का दौरा। कृषि कानूनों और लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में वाम मोर्चा समर्थकों ने बांकुड़ा में किया रेल अवरोध। खड़गपुर आद्रा सेक्शन में ट्रेन सेवा प्रभावित। हुगली जिले में डामकुनी टोल प्लाजा पर बस से भारी मात्रा में हथियार बरामद। एसटीएफ ने 3 लोगों को दबोचा। दुर्गा पूजा के बाद फिर टीकाकरण अभियान में जोर शोर से जुटी बंगाल सरकार। स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। दक्षिण कोलकाता के गरियाहाट में दोहरा हत्याकांड। ड्राइवर सहित अधेड़ की हत्या। पुलिस कर रही है घटना की जांच। उत्तर दिनाजपुर में भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। बीरभूम के सीढ़ी में NH-60 पर सड़क हादसा। 2 लोगों की मौत, कई घायल। रामकृष्ण मठ के वरिष्ठ संत स्वामी अमयानंद जी महाराज का निधन। सीएम ममता बनर्जी ने जताया शोक। आरजीकर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन को उकसाने का आरोप। चिकित्सक संगठन के 2 नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। रणजीत सिंह हत्याकांड में राम रहीम को CBI कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। दिल्ली में डेंगू से साल की पहली मौत। एक हफ्ते में सामने आए 243 नए मामले। यूपी चुनाव में सपा के यादव वोट बैंक पर भाजपा की नजर। मुलायम की करीबी सुखराम थामेंगे भगवा झंडा। पंजाब कांग्रेस में कलह जारी। अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने में जुटा कांग्रेस आलाकमान। आज से दिल्ली में रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ अभियान शुरू। हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उठाया गया कदम। अयोध्या में सूर्य किरणों से होगा राम लल्ला का अभिषेक। कोणार्क मंदिर के तर्ज पर बनेगी झरोखे। बांग्लादेश में फिर निशाने पर हिंदू। उपद्रवियों ने 65 घरों में लगाई आग। मंदिर में भी हो चुकी तोड़फोड़। किसानों का रेल रोको आंदोलन। अमृतसर में ट्रैक पर बैठे किसान। मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में ट्रेन रोकी गई। यूपी में 4 गाड़ियों के मार्ग बदले गए। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों पर हमलों के बाद बदला घाटी का माहौल। प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी। यूपी के शाहजहांपुर में कोर्ट में वकील के दिन दहाड़े हत्या। मायावती ने योगी सरकार पर साधा निशान। पंजाब में कोर्ट मैरिज करने वाली दंपत्ति के शव चौराहे पर मिले। लड़की के घर वालों पर लगा हत्या का आरोप। हवाई ईंधन से भी महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड सोमवार को रहा $86 प्रति बैरल। T20 वर्ल्ड कप, स्कॉटलैंड ने बांग्लादेश को हराया। भारत के समीकरण पर पड़ सकता है असर। T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ भारत आज अपना पहला वार्म अप मैच खेलेगा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में महिला ने 7 बच्चों को एक साथ दिया जन्म। जच्चा बच्चा स्वस्थ, मेडिकल साइंस भी हैरान। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी का पहला गाना, जिसका टाइटल है आइला रे आइला, 21 अक्टूबर को रिलीज होगा। टाटा मोटर्स ने भारत में लॉन्च की नई पंच माइक्रो SUV। शुरुआती कीमत 5.49 लाख। सपना चौधरी ने फैन के साथ किया पतली कमर गाने पर डांस। वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। अब तक के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। सनसनी नहीं, केवल सच।